कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ पुलिस ने भोलागंग नहर पुलिस के पास से जनपद में हो रही ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं में शामिल 5 बदमाशों को चोरी हुए ट्रांसफर के लाखों के पार्ट्स सहित एक कार व बाइक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पिछले काफी समय से कई गांवों में किसानों के खेतों पर लगे ट्रांसफर की चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। चोरी की घटनाओं को देखते हुए सोमवार की रात थाना प्रभारी प्रजन त्यागी टीम के साथ भोला रोड में चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच भोला पटरी के पास 2 व्यक्ति संदिग्ध रूप से दिखाई दिए। पुलिस ने घेराबंदी की और अपने पास बुलाने का इशारा किया तो वे पुलिस को देख भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर भाग रहे 3 व्यक्तियों को पकड़ लिया। पूछताछ में पहले तो वे पुलिस को बरगलाते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि वे खेतों में लगे ट्रांसफार्मर तेल आदि की चोरी करते हैं। हाल ही में सरूरपुर रोहटा आदि यहाँ से ट्रांसफार्मर की चोरी कर तेल को खेत में छुपाया हुआ है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वहां से माल बरामद किया। गिरफ्तार बदमाश ने बताया कि वह चोरी किया माल मोदीनगर के कबाड़ी वसीम को बेचते हैं। पुलिस को कबाड़ी ने बताया कि वह अपना माल जनपद हापुड़ के एक व्यापारी अंकित गोयल को बेचता है। उक्त व्यापारी को भी हिरासत में ले लिया गया है। थाना पुलिस ने सभी 5 बदमाशों के पास से 1 बाइक 1 कार चोरी की माल तार तेल कोयला आदि लाखों का सामान बरामद किया गया। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया। अपराधियों में अंकित, विशाल, रोहित, विजेंदर, वसीम, अंकित गोयल बताए गए हैं। गिरफ्तार बदमाशों पर विभिन्न थानों व जनपदों में कई दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। थाना जाने के अंतर्गत रात्रि चेकिंग के दौरान कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि काफ़ी अधिक संख्या में इनके द्वारा जो देहात क्षेत्र में जो ट्रांसफार्मर है उसके जो अवयव होते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, तार चाहे तेल या कोयल, ये सब चोरी की जाती थी। और इसमें जो 2 कबाड़ी भी हैं इसमें, तो 2 कबाड़ी जो है इस सामान को खरीद कर और फिर आगे इसको फैक्ट्रीज में बेचते थे, जिससे इसको गलाकर जो अन्य चीज़ें बनाई जाती थी। और इस पूरे प्रकरण में इनके पास से 10 कोयल ट्रांसफार्मर की, कुछ कंडक्टर्स, इसका जो तेल है, वायर है, क्लिपिंग्स आदि बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। इनके पास से एक 4 व्हीलर ईऑन रंग की बरामद हुई है, जो कि ये रात्रि को आते थे और फिर ट्रांसफार्मर को उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको चोरी करते थे और उसके बाद इसको आगे बेचते थे। इनके पास से जो अभी गिरफ्तार हुए हैं, दर्जनों मुकदमे इनके ऊपर है। 1 के ऊपर 36 मुकदमे और 1 के ऊपर 40 मुकदमे भी पूर्व में पंजीकृत हैं और इसमें इन सभी अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और इसके अलावा इनकी जो हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई भी प्रचलित है। सर, इसी मामले में जो 1.5 साल के अगर आंकड़े उठाए जाए तो ज्यादातर 800 से अधिक जो ट्रांसफार्मर वो चोरी हो चुके हैं। तो इसने उनकी बरामदगी नहीं करी है, उसको लेकर PBNL का कहना है कि उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है, करोड़ों रुपए का उन्हें नुकसान होता है। लेकिन पुलिस जो है जो और 800 से अधिक जो ट्रांसफार्मर चोरी है उनका कोई खुलासा नहीं कर पाती, छोटी मोटी घटनाएं होती है। ये जनवरी 2023 से लेके अब तक हमारे यहाँ कुल 13 मुकदमे बिजली अधिनियम में दर्ज हैं, जिसमें कि 1 ट्रांसफार्मर चोरी का और बाकी अन्य जो तार चोरी के कुल 13 मामले दर्ज हैं। बाकी जो अन्य मुकदमे हैं वो एंटी थेफ्ट थाना जो कंकरखेड़ा के अंतर्गत है वहाँ पर दर्ज हैं और वहाँ पर जो भी उनके द्वारा जो अलग थाना है उसके अंतर्गत कार्रवाई इसमें हो जाती है। हमारे जो 13 मुकदमे इसमें से 12 के अंतर्गत हमारे द्वारा चार्जशीट इसमें लगाई गई है और भविष्य में जो भी इसमें कार्रवाई की जाएगी, जैसे गैंगस्टर एक्ट के तहत या एसोसिएट खोलना, उसके लिए हम अभी एंटर थाने से भी संपर्क कर रहे हैं। उनके जो मुकदमे जो भी खुले नहीं है उनसे संपर्क करके उनकी मदद के लिए भी पुलिस की टीम हमारे यहाँ से लगाई जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv।